सो व्हाट्स गाइस, आई एम बैक टू स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे चैनल प्रोग्रामर फिर बड़ी एंड। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट लेकिन ब्लॉक पीछे देख चुके होंगे हम लोग लास्ट वाली वीडियो में। ये हमारा पपी स्पॉन हुआ था, तो लास्ट वाली वीडियो में हमने पूरा डायमंड आर्मर प्लस इतना सारा एलाइट्रा और बोर ये सब पाए थे। तो आज की वीडियो में ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करना चाहूँगा, आज की वीडियो में ना मैं पूरा एकदम स्पीड में हर चीज करूंगा। तो वीडियो की स्टार्टिंग मैं स्पीड से कर रहा हूँ, तो चलो मिलते हैं छोटे से हाईलाइट के शॉट्स के साथ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी।
shadow through the sun rays, and on and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. ज़्यादा वीडियो बड़ी हो गई थी इससे मेरे को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा, वरना मैं ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करता नहीं, इसलिए मैं करना पड़ा मुझे। ए भाई ए सॉरी गाइस, इतना बोल दिया, मैं डर गया था भाई, नीचे फेंक देगा सीधे मेरे को, एंड बीच बीच में जो कट दिखे एक भाई साहब एंडर पल एंड आई ऑफ एंडर एंड काफ़ी सारे चीज़, तो मैं ये सारे सामान रखने के लिए गाइस बीच में कट कर देता हूँ, एंड इसीलिए यार समझा करो, तो इसलिए करते हैं। एंड सब सामान देख सकते हो कितना ज़्यादा हो चुका है, तो मतलब और एनविल भी बन चुका है गाइस, सबसे ओपी बात, लेकिन हमारे पास लेवल्स अच्छा गिर जाओ वुडन था आई थिंक, तो कुछ नहीं। एंड इससे अरे रे 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 अब इससे फाइट करने का गाइस बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इससे मेरे को एक तो इसको जैसे हिट करने जाऊँ ना गाइज, मेरा उस टाइम ध्यान ही नहीं था, मैं क्राउच करके उससे फाइट ले रहा था, एंड इसके कवर में मैं इसलिए बैठा था क्योंकि ये स्नो बॉल फेंक दे रहा था, स्नो गोलम, तो इसलिए तो इस पार्ट को कट कर देते क्योंकि बहुत टाइम लेगा यार मरने में। तो गाइज वो बंदा मारा जाता हुआ RIP हमारे ये क्या भाई, फिर से क्या कोई चेस्ट वीचर डेंजर आइटम आएगा, डॉगी काफ़ी अच्छा लेकिन बोनी नहीं है, आयरन गोलम लेकिन तुझे मारने की ज़रूरत नहीं है, आयरन की हमारे पास इतनी खदात है कि तेरे को आयरन दूंगा मैं, एंड इसको हम फिर से दूर जाके लगा के रखेंगे, ये रिस्क मेरे को लेने का ही नहीं है बाबा, रिस्क लेने का ही नहीं है। अबे रे 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 रे। माइनिंग फिटिक, अरे टेंशन मत लो, मेरे पास मिल्क बकेट थी, मैं मिल्क बकेट पी लिया, वाटर बकेट मिल्क बकेट सब है भाई, और इधर का और एक दो ब्लॉक और करते हैं, एंड कुछ ब्लॉक जो मेरे पास ऐसे बचे थे मैंने उन्हें फिर से लगाया है इसी जगह कि इधर ओ हो कॉबल स्टोन और अरे अरे अरे। सो गाइस अभी मैंने बहुत सारा जो था सब रख दिया, एंड यार कुछ और XP बॉटल भी है यहाँ पर, तो XP बॉटल भी हमें चाहिए, एंड पहले ये बेड तोड़ देते हैं क्योंकि क्राउच नहीं हो पाएंगे और अपने को रिस्क लेना ही नहीं है, बेड इज़ टू फार अवे। अरे रीसेट पॉइंट सेट हो गाइस, रुक जाओ, मैं पास जाके 1000 बार 100 टाइम रीसेट पॉइंट, ओके 100 टाइम बोला था, ओके देखो मैंने कर दिया 100 टाइम नहीं 10 टाइम कर दिया, एंड मेरे को XP बॉटल और ये सब भी चाहिए, तो मैं इसको भी माइन करता हूँ, काफ़ी सारे आइटम हैं, तो क्राउच करके हमें सब OP कितने सारे एन्चेंटमेंट, मेरी इन्वेंटरी फुल हो जाएगी भाई, पिगू दात अच्छा बच गया भाई, मैं तो ओके इन्वेंटरी नहीं फुल हो गई, और एक ब्लॉक और हमें मिला, ऐसा ही गाइस मैं इन्वेंटरी चेक कर रहा था तो बहुत मिले थे, तो वही मैंने उसके साथ लगा दिया, तो चलो अभी इसको भी तोड़ लेते हैं, इससे क्या मिलता है हमें, इससे हमें मिला है डोगू छोटा डोगू, तो चलो फटाफट से हम लोग XP गेन कर लेते हैं फटाफट, XP बॉटल से कितनी 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 पे यहाँ रुकी है, दोनों नहीं एक ही ख़त्म ही 17 से
18, 19 और भी कर लेंगे, और 20, 21 एंड गाइस होने वाला है 22 एंड होने वाला है 23 आई थिंक 25 हो गया या 26 एंड 24 लेवल्स। हाँ, इतने में मेरी फुल आर्मर हो जाएगी क्योंकि मुझे एक ट्रिक पता है जिससे कि मैं पूरी एन्चांटमेंट कर सकता हूँ। तेरा शार्पनेस 5 है। मैं सारी बुक एक बार गाइस निकाल लेता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ। मैंने बुक्स निकाल ली है, मैं इन बुक्स को ना एक साथ कंबाइंड करूँगा कि इन बुक्स को कैसे मुझे बनाना है, इनमें ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं करूँगा। तो इन सबको बना लेते हैं एक साथ और बहुत कम कम लेवल लग रहा है तो सारी लेवल हम लगा के अपना ओवर्ड एन्चांटमेंट बना लेते हैं, पूरा डायमंड आर्मर। यही हमें करना है फटाक से। एक हमें मिल चुका, ओके हमने यहाँ कर लिया डेट एंड स्माइट, नहीं स्माइट हमें नहीं चाहिए, आई थिंक नॉक बैक लगा सकते हैं। 3 देखो कितना पावरफुल बन जा रहा है। यहाँ से मुझे कुछ बुक्स चाहिए थे इसलिए मैं कुछ बुक्स लेने आया हूँ एंड एफिशिएंसी। अभी पिकैक्स तो अभी नहीं करूँगा, स्वॉर्ड और ये सब मैं बाद में भी कर लूँगा। तो इन सब को मैं एन्चांट कर लेता हूँ फिर तुमसे मिलता हूँ। सो गाइस मैं क्या सोच रहा है, इन सबको तो मैं धीरे धीरे कलेक्ट कर लूँगा, इसमें टाइम भी लग सकता है मुझे क्योंकि एन्चांटमेंट एकदम परफेक्ट चाहिए। अब मैं दूसरे में आ चुका हूँ तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पे प्रेस कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू सो मच फॉर।